डरा सकते हो, ना तुम हमारे छोटे छोटे लॉ बना के डरा सकते हो। हमें साथ रहेंगे, हमें साथ रहेंगे, हम यूनाइट रहेंगे, हम एक दीवार बन के रहेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है, हम तुम्हें बताएंगे ये हिंदुस्तान कैसे चलाया जाता है। तो डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी चुका लो। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने गोरखपुर के डॉक्टर कफिल खान को मुंबई से गिरफ्तार किया है। कफिल खान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। एसटीएफ के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में कफिल के खिलाफ अलीगढ़ में केस दर्ज हुआ था। कफिल शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई में चल रहे प्रदर्शन में कल शामिल होने वाले थे। गौरतलब है कि करीब 2.5 साल पहले डॉक्टर कफिल विवादों में आए थे। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें नोडल ऑफिसर के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। बता दें कि कफिल खान के ऊपर आईपीसी की धारा 153A के तहत सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया था कि छात्रों को संबोधित करने के दौरान खान ने बिना नाम लिए कहा कि मोटा भाई सबको हिंदू या मुस्लिम बनना सिखा रहे हैं, लेकिन इंसान बनना नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब से आरएसएस का अस्तित्व हुआ है, उन्हें संविधान में भरोसा नहीं रह गया। खान ने कहा कि सीएए मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाता है और एनआरसी लागू होने के साथ ही लोगों को परेशान किया जाएगा। खान ने आगे कहा था, यह लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमें लड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आरएसएस के स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है कि दाढ़ी रखने वाले लोग आतंकवादी होते हैं। एफआईआर में कहा गया कि खान ने शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश की। क्या इतना बड़ा ड्रेडेड वो आदमी है कि एसटीएफ को जाकर के मुंबई अरेस्ट करना पड़े? नहीं, देखिए, डॉक्टर कफील को हेट स्पीच के कारण गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हेट स्पीच दिया था, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था और उनको हम ट्रैक कर रहे थे, और यूपीएसटीएफ को ट्रैक करना उनकी जिम्मेवारी है। और उसी ट्रैक के मामले में जब हमें पता चला कि वो मुंबई में है, मुंबई एयरपोर्ट से जब वो बाहर आए तो उन्हें हमारी टीम ने गिरफ्तार किया और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उन्हें अलीगढ़ लाया जाएगा और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन सर, ये 1.5 महीने पुरानी एफआईआर थी, बीच में कई बार वो लखनऊ भी आए, यहाँ भी कार्यक्रम किया है, दिल्ली में भी किया है, लेकिन लग नहीं रहा है कि एसटीएफ का मुंबई में अरेस्ट करना ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और जो कानून है उसका सभी को पालन करना पड़ेगा। यदि किसी ने हेट स्पीच दिया है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।